ने कदी ने किसे नो पुछिया, नमाज पढ़ी अगे कोई नहीं, हज की ताई के कोई नहीं, हमरा की ताई के कोई नहीं, यतीम दे सिर ते हाथ रखी आई के कोई नहीं, सदका देने के कोई नहीं, सुबह तो लैके शाम तक असी दुनियादारी विच फसे हुए हां, असी दुनिया कमा रहे हां, होने कदी गुस्सा नहीं कीता, होने कदी शिकवा नहीं कीता, होने कदी किसे दी लत नहीं तोड़ी, होने किसे दा बाजू नहीं तोड़िया। मैं ख्या मौला एक गुना मेरी माँ वेखे, एक गुना मेरा पियो वेखे, आंदा दफाई हो जा मेरे घरों बने हो जा, आज तू बाद मेरे वेड़े ना आई, आज तू बाद मेरे घर ना आई, आज माँ भी बदल जांदी जे, आज पियो भी बदल जांदा जे, आज वीर भी बदल जांदे ने। मैं ख्या मौला लखा गुनागार पापी आए आ, लखा मुजरम आए आ, साढ़े गुनावां दा हिसाब कोई नहीं, साढ़े आपां दा हिसाब कोई नहीं, मौला फिर भी पड़दे पाना है, मौला फिर भी माफियां देना है। या अल्लाह वजह की अल्लाह ने फरमाया, लोका जे मैं तुहाडे गुनावां ते जावां ते मैं राहत नहीं निकलन देंदा, मैं पूरे बूंगे नूं तबाह कर छड्डा। मैं ख्या मौला बचाना क्यों मैं तूनी, मौला छड्डदा क्यों मैं। अल्लाह फरमांदा जदों मैनूं गुस्सा आउंदा ए, मेरे यार मोहम्मद दी रहमत आ जांदी है, मेरे यार मोहम्मद दी रहमत सामने आउंदी है, मेरे यार मुस्तफा दा चेहरा सामने आउंदा है। अल्लाह दी कसम इसे वास्ते आना गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे। मैं अपनी गल पे करना थोड़ी नहीं पे करता, गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ, आए हाय आया हूँ मैं आया हूँ, सरकार कहेंगे आया। सुनो सुनो लोको, आया हूँ मैं आया हूँ, सरकार कहेंगे। जदों गुनाहगार कयामत वाले दिन फस जाएंगे, छुड़ाने वाला नजरी नहीं आ रहा, बचाने वाला नजरी नहीं आ रहा। हजरत ईसा आखणगे, लोको उस मुहम्मद नो आवाज मारो, उस नबी नो आवाज मारो, मेरा नबी दौड़दा आएगा। हजूर फरमानगे घबरायो ना, आया हूँ मैं आया हूँ, सरकार कहेंगे आया हूँ मैं आया हूँ, सरकार कहें। असी किवें ना रोइए, असी किवें ना रोइए, सानू बचाण वाला कोई नहीं, सानू छुड़ाण वाला कोई नहीं, असी बड़े पापी हां, असी बड़े मुजरम हां, असी बड़े बड़े गुनाहगार हां, हर गुनाह मैं कीता है, हर जुर्म मैं कीता है, पर मैनूं जदों सोने दी रहमत नजर आउंदी है, जदों मदीने वाले दा करम नजर आउंदा है, जदों मदीने वाले दा फजल नजर आउंदा है, ते मैं सजदे डिग के आना, मौला तेरा शुक्र है, असी बेवारस नहीं, साडे वारस दा नाम मोहम्मद है, साढ़े वारस का नाम मोहम्मद, साढ़े नबी का नाम मोहम्मद, साढ़े आका का नाम मोहम्मद। शेर सुनी तेरे दिल की दुनिया हिल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे अंदर अल्लाह का खौफ आएगा, तेरे अंदर मोहम्मद की मोहब्बत आएगी। ताइयों ते सुल्तानी अज हदीस की किताब सामने रख गए, अज सारे पूंगे नूं हलल इलान कह के तुर चलाए। मैंने हर जुर्म किया, जेड़े ते कीता वो बोलेगा, जेड़ा पाके वली हो ना बोले, जेड़ा साफ जेड़ा मानदा मैं ठीक हूं ना बोले। मैंने हर जुर्म किया, जाने अनजाने से
ਨਿਹਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕੀਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕੀਆ ਜਾਨ ਅਣਜਾਨੇ ਸੇ ਹਰ ਖਤਾ ਮਾਫ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨਾ 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 ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਰਮ ਕੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਜਹ ਤਖਲੀਕ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੁਸਤਫਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੁਸਤਫਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸਾਲਤ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਲਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅੱਤਹੀਆਤੁ ਲਿਲਾਹਿ ਵਸਲਾਵਾਤੁ ਵਤੱਯਿਬਾਤੁ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਅਯੂਹੰਨਾ ਬੋਲੋ ਅਯੂਹੰਨਾ ਬੀਯੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਮ ਵਾਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਬੀ ਬੜੇ ਆਏ ਰਸੂਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਮੰਤੁ ਬਿੱਲਾਹੀ ਵ ਮਲਾਇਕਤਿਹੀ ਵ ਕੁਤੁਬਿਹੀ ਵ ਰਸੂਲਿਹੀ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ 1,24,000 ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੁਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ
जेड़ा बंदा चौं किताबां विचों जेड़ियां अरशे मुअल्ला तो आईया ने बगैर तहरीफ तो, जेड़ा बंदा उन्हों चौं किताबां विचों एक किताब का मुनकर बन जाए, एक किताब नूं छड़ दे, वह बंदा मुसलमान हो सकता? किड्डा प्यारा मजहब है साडा दीन इस्लाम। इस्लाम कहिंदा है कि तुसी पिछलियां किताबां नूं भी मनना है कि वह भी अल्लाह दी किताबां ने, रसूलां नूं भी मनना है कि वह भी अल्लाह दी तरफ रसूल आए ने, सारयां नूं अल्लाह मना रहा है। लेकिन जदों ज़हरा दे बाबे मुस्तफा दी वारी आई, जदों कायनात दे मुहम्मद दी वारी आई, बाबा जी अल्लाह दी कसम है अगर लफ्ज़े मुहम्मद ते बोलिया जाए तो चार पांच जुम्मे लग सकते हैं सिर्फ लफ्ज़े मुहम्मद। इहदी तशरीह कर दिया कि इहदा मतलब की है, इहदी तशरीह की है, इहदा सीगा की है, ये निकलिया कित्थों में ते नां रखिया किवें गया। बाबा तवज्जो फरमाया जे, ये ओ करीम नबी दी ज़ात है जिथे सवा लख पैगंबर ते रसूल पिछे हट जाणगे ना, उत्थे मुस्तफा अगे आउणगे, उत्थे हजूर अगे आउणगे। और मैं तो कहना असी खुश नसीब हाँ यार, चलो कोई ना कोई जुमला बोलिया, कोई ना कोई जुम्मा पढ़िया, कोई ना कोई जुम्मा सुनिया, हो सकता काम आ जाए तो अल्लाह ताला साड़ी बख्शे फरमा छड़े। हजूर दा सदका, किदा सदका? मैनू एक कहन लगा, कहंदा जी तुसी सदका हजूर दा सदका क्यों कहंदे हो, तुसी डायरैक्ट आखो। मैं क्या भा जी डायरैक्ट तो वह आखण जिन्हां दी चलदी होवे, सानू तो कोई मनदा ही सानू, असी की चीज़ हाँ जी अल्लाह दे दरबार विच? मेरे वर्गे लखां कुत्ते, मेरे वर्गा लखां गंदे पे फिरदे ने। ओ मैं क्या साड़ी तो उत्थों तक पहुँच नहीं, असी उन्हां नू पाने हैं जिन्हां दी उन्हां नाल गल है। एक बारी बोलियो जरा सुभान अल्लाह। असी उन्हां दा वसीला विच पाने हैं, असी उन्हां नू पाने हैं कि जिन्हां दी उन्हां नाल गल है। फिर वह जानन तो वह जानन, फिर वह जानन तो वह जानन। इस वास्ते असी आने हजूर दे वसीले नाल, हजूर दे सदके दे नाल, हजूर दे तवस्सुल दे नाल, क्योंकि नबी पाक अल्लाह ताला कोलों जो चीज़ चाहण मनवा सकते हैं, जो चीज़ चाहण मनवा सकते हैं। क्यों? वो मुख्तारे कुल ने, वो अल्लाह दे महबूब ने, वो अल्लाह दे दिल पर जानी ने। अल्लाह फरमांदा सोने आ, वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा वद्दू हा सूरत रियाँ सुपारा ही। अल्लाह फरमांदा जदों तुसी राजी होवोगे उदों ही असी राजी होवांगे, जदों तुसी राजी होवोगे उदों ही असी राज। पता लग गया हजूर की रजा विच किदी रजा है? अल्लाह दी। हजूर की रजा विच किदी रजा है? अल्लाह दी। ओए नबी पाक राजी हो गए तो रब राजी, रब राजी हो गया। इधर तवज्जो फरमायो, हजरत अबू बकर सदीक नू ना जो हजूर मेराज तो आए ना वापस, आ गल सुनो, तो अबू जैल ने ना पहला वार किया आपदे यार अबू बकर, अबू बकर नू आखिया, अबू बकर अगर कोई बंदा तेरे सामने खलो के ये आखे कि रात के कुछ हिस्से विच मैं मक्के तू गया वा बैतुल मुकद्दस फलस्तीन, फलस्तीन तू गया आसमाना दे सात आसमान पार करके फिर गया अरशे मुअल्ला दे, अरशे मुअल्ला तो फिर गया अल्लाह कोल, अल्लाह नू वेख के ते रात के कुछ हिस्से विच फिर मैं मक्के वापस आ गया। अबू बकर तू इस गल ते यकीन करना, इस गल मानना? उन्हें पता सी अबू बकर ने आखना मैं तो नहीं मानता कि एड्डी जल्दी। हजरत अबू बकर सदीक आंदे ने तू ये छड्ड, तू ये दस आखिया किन्ने में? आए हाय हाय ना बाबा जुमले समाप्त करने ने, ये छड्ड तू ये दस आखिया किन्ने में? उन्हें क्या आखना किन्ने में? जिदे नाल चौबी घंटे रहना है, बचपन का यार ही, जवानी का यार ही, वो तेरा यार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो, पढ़ो दरूद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। ये तेरे महबूब ने आखिया, तेरे यार ने आखिया, तेरे दिल पर जानी ने आखिया कि रात के थोड़े जे हिस्से विच मैं मक्के चू चलिया, मैं शाम गया बैतुल मुकद्दस गया फलस्तीन गया, उतों जनाबे वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवा छेवा सतवा समान पार किया, फिर अरशे मुअल्ला ते गया, फिर सिदरतुल मुंतहा ते गया, फिर सिदरतुल मुंतहा तो अगे गया, फिर रब वेख के वापस आ गया। हुण दस मानना
कि नहीं मानता, जुमला सुन के बोली जे जागता बैठा है, मानता है कि नहीं मानता है। मैं हजूर की शान में जुमला देने लगा, अबू बकर सदीक हाथ बुलंद करके फरमाया लख लाने दी, फरमाया और कोई आंदा ते ना मानता, जे मुहम्मद कह छड़िया ते ओ है ही सच्चा, ओ है ही सच्चा है, ओदे तू वड्डा सच्चा, ओदे तू वड्डा साधक है, ओदे तू वड्डा अमीन है। मेरा ईमान है अबू बकर सदीक सामने खला के अबू जहल नु जुत्ती मार गए, ए होई ऐलान कर गए आंदे आने ने, सुन अबू बकर दा अकीदा की है, सुन नबी दे यार दा अकीदा की है, सुन सदीक अकबर दा अकीदा की है। मेरे अबू बकर सदीक आंदे ने सुन, साडे आका दी ज़बान साडे वास्ते कुरान साडे, हाँ एक बारी हाथ ले रहा के नबी दी शान में बोल के आखना ही, साडे आका दी ज़बान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी ज़बान। अज सारे सुन्नी मामा दे पुत्र बैठे हो के नबी दे मिलादी बैठे हो, हाथ बुलंद करके साडे आका दी ज़बान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी ज़बान साडे वास्ते किसे होर दा कलाम चंगा लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसे होर दा कलाम चंगा लगे दाई नहीं, किसे होर दा कलाम चंगा लगे दाई। अबू बकर सदीक ने सानू अकीदा दसिया है, जो नबी कवे मन लवो, जो मुहम्मद कवे मन लवो, जो मेरा नबी कवे मन लवो, उसे नबी ने फरमाया लोको अल्लाह ने मेरे मिलाद दे आन ते, अल्लाह ने मेरे दुनिया दे आन ते, अल्लाह ने पूरी कायनात दिया बीबियां नो उस पूरा साल तियां नहीं दितियां, पुत्र वंडे ओए पुत्र वंडे ने, अल्लाह ने पुत्रां दा तोहफा दिता है, क्यों मेरा यार मुहम्मद आया है, क्यों मेरा दिल भर जानी आया है, अल्लाह दी कसम सियाल को डालिया मैं तेरिया गल्लां करा, हजूर दे मिला दियां बरकतां दसा, ते दिन मुक सकदे ने रातां मुक सकदियां ने, कलम टुट सकदे ने सियाईयां मुक सकदियां ने, ना अल्लाह दी शान मुक सकदी ना ओदे यार मोहम्मद दी शान मुक सकदी, शान नहीं मुक सकदी, जिंदगियां मुक सकदियां ने हजूर दी शान। ए ते मैं कहना साडी खुशकिस्मती है, अल्लाह ने सानू इस पासे ला छड़िया, नहीं ते असी भी कोई दुकान खोल के बैठे होना सी भाई, असी भी मोटरसाइकलां सही कर दिया होना सी, असी भी गड्डियां ठीक कर दिया होना सी, या किसी बस से कनैक्टर लग्या होना सी, साढ़े बच्चे की कमाल है, ये कि फजल है, बोलो कि फजल है। तुसी भी जिस जिस जगह पर बैठे हो ना, ये तुहाडा कमाल नहीं, ये कि फजल है, कि फजल है, तेरे तो हुशियार ते तेरे तो चलाक ते तेरे तो पढ़े लिखे बंदे ने जेड़े तेरे कोल ने, लेकिन ये वंड कि है अल्लाह की, अल्लाह की कसम असी तो सारी जिंदगी भी सजदे पे रही है ना, उस मालक का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जड़ा रोटी रोजी पिया देंदा है ते इज्जत नाल पिया देंदा है, किदे नाल यार किसी के सामने इंज तो नहीं ना करते असी, रोड ते मंगण ते नहीं खलोते असी मंगण वालियां दे विच, फिर किड्डी अगर अल्लाह तआला खिलार छड़दा तो की कर लेना सी, कुछ कर सकते सन बाबा, जेडे बंदर बने ने जेड़े सूर बने ने जेड़े गधे बने ने उन्हें अल्लाह का केड़ा कसूर किया, कोई नहीं किया, पर तवज्जो फरमा अल्लाह ने सानू इंसान बनाया। मैं तो कदी कदी कल्या बैठा होवां ना तो मैं सोचना तुहाडे नाल शेयर कर लगा, कदी कदी कल्ला बैठा होवां तो मैं सोचना कि यार अल्लाह ताला दा किड्डा फजल है, अल्लाह ताला दी किड्डी मेहरबानी है, अगर अल्लाह पैदा होंदिया ही मेरी एक लत सही ना रखदा, एदी जरा गहराई तक जाओ गल दी, अगर मेरा एक बाजू मारिया हुंदा
अगर मेरी एक अख ठीक ना होंदी जमदिया ही हो सकता सी अल्लाह वे कर सकता, एक कन ना होंदा है इधर तवज्जो करो ते किसे पासे जो का बंदा बनता जी, लोग आंदे ओ लंगड़ा आंदा पिया ओए और लूला आंदा पिया यार, लोग सानू भी कहना सी ओ वेखो आंदा पिया जे, कसम खुदा दी मौलका तेरा किन्ना शुक्र अदा करिए सी इस लायक नहीं कि तू नैन प्रैन भी सही दिते नहीं, चेहरा भी सही दिता ही, अखा भी ठीक दिखा नहीं, हाथ भी दो भी दिते नहीं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ए वेखो जी वह वेखो यदा हाथ कोई नहीं जे, वह वेखो यदी लत कोई नहीं जे, वह वेखो काना प्यादा जे, अल्लाह की कसम है सिर्फ इस गल ते ही बंदा सजदे पिया रहे ना तो वह शुक्र अदा नहीं कर सकता। अब बाबा की अज एक्सीडेंट हो जाए मैं दूसरे दिन मंजी पर बह जाना, कि आकड़ी कि माल ही ना तेरे भरावा काम होना है, ना तेरे कारोबार ने काम होना है, ना तेरे किसी होर चीज ने काम होना है, अज अज मंजी ते पै जा तेरे रिश्ते तेरे सामने आ जाएंगे, याद रखियो तेरे सके भरा कहणगे हुण की करिए हुण इहनूं खवांदे रहना सां, हुण की करिए एक्सीडेंट हो गया मंजी ते पै गया हुण दसो की करिए, उहदे सामने ना इधर वेख जदों सुबह काम तू निकलना ना काम वास्ते करूं ते तू पैदल निकलना ते तेरे दो भी पैर सही काम करदे ने इंज हथ बन के ना आसमान वाल वेख के आख्या कर अलहमदुलिल्लाह, की आख्या कर, गल नूं सुट ना पाओ मैं बड़ी वड्डी गल पे करना, जे तू कदर पुछनी है ना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जुत्ती कोई नहीं ना पाई, जुत्ती लभी कोई नहीं ते अल्लाह नाल शिकवा कर बैठे मौला तेरी इबादत भी करने आ ते जुत्ती फिर जिवें बंदे आंदे यार नमाज भी पढ़ने टेंशन नहीं मुकदियां, कुरान भी पढ़ने परेशानियां, इधर वेखो ए जड़ा बंदे ते परेशानी या टेंशन होंदी है ना घबरावे ना वो अल्लाह बंदे नू चेक करदा है, की करदा अल्लाह बंदे नू चेक करदा कि ए सुख विच ते बड़ा ना लैंदा सी दुख विच भी मैनू याद करदा कि कोई नहीं, इधर वेखो यार सियालकोट आ लियो जुत्ती कोई नहीं सी पैरी ते शिकवा कीता ते नमाज पढ़न जा रहे, अल्लाह ने उस वेले विखा दिता अजे मस्जिद च इंटर नहीं होए ते बाहर वेख्या ते एक बंदा बैठा सी ते जिहदे दो भी पैर कोई नहीं सन, आए हाए केड़ी तकरीर ते केड़े जुम्मे ते केड़ियां गल्लां करिए यार, हुण ते दिल ही नहीं करदा कि आई दिल करदा कि उहदे को माफ़ी मंगदे रहीए कि कमरे च बह के लैदा बह के तौबा करदे रहीए, ऐ जिंदगी का सूरज ढल गया है पता नहीं अगू किन्नी है भी है कि नहीं है कोई पता नहीं, ज़्यादा गुजर गई है जिन्हें से असं बैठे ज़्यादा गुजर गई थोड़ी रह गई एवं जिमें सूरज नहीं ढलता होंदा तो आंदे यार पता नहीं लगता, वो दो भी पैर ही कोई ना, हजरत बायजीद बुस्तामी ने जदों वेख्या तो मस्जिद बाहर ही बाबा जी मस्जिद बाहर ही सजदे डिग पे रोन लग पे, अल्लाह ने फरमाया बायजीद की होया जी, अर्ज की मौला माफ़ी दे दें मौला माफ़ कर दें, रब्बे काबा की कसम है बाबा जुमले सुनिया जे रो पे तड़फ पे, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन एक कथरू भी वगा के उठ जाए समझे ओ ही जुमा उहदा कबूल होया, मैं सच्ची बयांदा जे हकीकत बयांदा जे ओ ही उहदी हाजरी कबूल हुई है जिहदे विच उहदा दिल रोया उहदी अख रोई है, कई कई साल होए ने बंदिआं नूं रोना ही नहीं आया आ साडे विच बैठे ने कसम खुदा दी कई कई साल रोन ही नहीं आया, को घर की परेशानी बन गई फिर रो पे ने, अल्लाह वास्ते नहीं रोए उहदे रसूल वास्ते नहीं रोए, अपने गुनाहां ते कदी नहीं अथरू आए कि यार मैं किड्डा भैड़ा बंदा वा मैं किड्डा बुरा बंदा वा ते लोग मेरी इज्जत पे करदे ने, ओ वेखिया ते दो भी पैर ही कोई ना सजदे डिग पे रोन लग पे, उत्थों आवाज आई बायजीद क्यों रोना है, रब्बे काबा की कसम है बाबा जुमले सुनिया जे जदों आखिया ना क्यों रोना है, इत्थे मियां मुहम्मद बख्श की कलम उठी आ, जे तेरे अथरू ना ना जे तू अंदरू बैठा होया वुजू करके नीयत लैके आया होया कि मैं अल्लाह तो रसूल वास्ते बैठा ते तेरे अथरू आ जाएंगे, रब्बे काबा की कसम है बाबा जुमले सुनिया जे, हजरत बायजीद मुस्तामी सजदे अंदर जाके रो रहे ने रो रो के आंदे ने मौला मेरे को बड़ी बड़ी गलती हो गई आ, या अल्लाह मैं तेरे नाल शिकवा कर बैठा वा, मैं कहा या अल्लाह जुत्ती पैरी कोई नहीं, या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी इबादत की थी ये जुत्ती नहीं मिली, इत्थे रोमिए कश्मीर बाबा बोले आए इत्थे दरदा बादशाह बोले आए ते मियां साहब आंदे ने एक गुनाह है मेरा मां प्यो वेखे
तेरा गहराई तक जाना ही इस शेर दी। ओए एक गुना ओए एक गुना है मेरा माए पियो वेखे कहते वे देश निकाला लख गुना गुना लोको लख गुना लख गुना है मेरा माला वेखे परदे पावड़े वाला लख गुना लख गुना। उन्हें कदी ने किसे नो पुछिया नमाज पढ़ी अगे कोई नहीं हज की ताई के कोई नहीं उमरा की ताई के कोई नहीं यतीम दे सिर ते हाथ रखिए के कोई नहीं सदका देने के कोई नहीं सुबह तो लैके शाम तक असी दुनियादारी विच फसे होए हां असी दुनिया कमा रहे हां। उन्हें कदी गुस्सा नहीं किया उन्हें कदी शिकवा नहीं किया उन्हें कदी किसे दी लत नहीं तोड़ी उन्हें किसे दा बाजू नहीं तोड़िया। मैं क्या मौला एक गुना मेरी माँ वेखे एक गुना मेरा पियो वेखे आंदा दफा हो जा मेरे घरों बने हो जा आज तू बाद मेरे वेड़े ना आई आज तू बाद मेरे घर ना आई आज माँ भी बदल जांदी जे आज पियो भी बदल जांदा जे आज वीर भी बदल जांदे ने। मैं क्या मौला लखा गुनागार पापी आए लखा मुजरम आए साढ़े गुनावा का हिसाब कोई नहीं साढ़े ऐपा का हिसाब कोई नहीं मौला फिर भी पढ़ते पाना है मौला फिर भी माफिया देना है। या अल्लाह वजह की अल्लाह ने फरमाया लोका जे मैं तुहाडे गुनावां ते जावां ते मैं रात नहीं निकलन देंदा मैं पूरे बूंगे नूं तबाह कर छड्डा। मैं कहया मौला बचाना क्यों मैं तूनी मौला छड्डदा क्यों मैं। अल्लाह फरमांदा जदों मैनूं गुस्सा आउंदा है मेरे यार मोहम्मद दी रहमत आ जांदी है मेरे यार मोहम्मद दी रहमत सामने आउंदी है मेरे यार मुस्तफा दा चेहरा सामने आउंदा है। अल्लाह दी कसम है इसे वास्ते आना गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे मैं अपनी गल पे करना थोड़ी नहीं पे करगा गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे आया हूँ मैं आया हूँ आए हाय आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे आया सुनो सुनो लोको आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। जदों गुनाहगार कयामत वाले दिन फस जाएंगे छुड़ाने वाला नजरी नहीं आ रहा बचाने वाला नजरी नहीं आ रहा। हजरत ईसा आखणगे लोको उस मुहम्मद नो आवाज मारो उस नबी नो आवाज मारो मेरा नबी दौड़दा आएगा। हजूर फरमानगे घबरायो ना आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहें। असी किवें ना रोइए असी किवें ना रोइए सानू बचाण वाला कोई नहीं सानू छुड़ाण वाला कोई नहीं असी बड़े पापी हाँ असी बड़े मुजरम हाँ असी बड़े बड़े गुनाहगार हाँ हर गुनाह मैं कीता है हर जुर्म मैं कीता है पर मैनू जदों सोने की रहमत नजर आती है जदों मदीने वाले का करम नजर आता है जदों मदीने वाले का फजल नजर आता है तो मैं सजदे डिग के आना मौला तेरा शुक्र है असी बेवारस नहीं साढ़े वारस का नाम मोहम्मद है
साडे वारस दा नाम मुहम्मद, साडे नबी दा नाम मुहम्मद, साडे आका दा नाम मुहम्मद। ऐ शेर सुनी तेरे दिल दी दुनिया हिल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे अंदर अल्लाह दा खौफ आएगा, तेरे अंदर मुहम्मद दी मोहब्बत आएगी। ताइयों ते सुल्तानी अज हदीस दी किताब सामने रख गए, अज सारे फूंगे नू हलल इलान कह के तुर चलाए। मैंने हरी जुर्म किया, जेड़े ते कीता वो बोलेगा, जेड़ा पाक है वली वो ना बोले, जेड़ा साफ जेड़ा मानदा मैं ठीक हूँ ना बोले। मैंने हरी जुर्म किया, जाने अनजाने से, मैंने हरी जुर्म किया, आए हाय, मैंने हरी जुर्म किया, जाने अनजाने से, हर खता माफ हुई तेरा पर जाने। ना 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 इंज नहीं, मैंने हर जुर्म किया, मैंने हर जुर्म किया, जाने जाने से, मैंने हर जुर्म किया, मैंने हर जुर्म किया, मैंने हर जुर्म किया, जाने अनजाने से, हर खता माफ हुई तेरा पे जाने से, हर खता माफ हुई तेरा पे जाने से, मैंने हर जुर्म किया, इश्क ते मोहब्बत नाल मिलके आखो। मैंने हर जुर्म किया, आए हाय हाय, कदी तू अंदरू पढ़े ते तेनु पता लगे मैं की बयान है। मैंने हर जुर्म किया, जाने अनजाने से, मैंने हर जुर्म किया। हजरत ताहिया कलबी नबी दे सामने आके रो रहे ने, मेरे नबी ने फरमाया ताहिया क्यों रोना है? आंदा कमली वालिया, मैंने हर जुर्म किया, जाने अनजाने से, हर खता माफ होई तेरा पर जाने से। मैंने हर जुर्म किया, जान बुझ के भी किया तो उंज भी किया, ऐसी मुजरम हाँ, मान गए हाँ। तुहानू एक गल दसा, दुनिया की अदालत में बंदा अपना जुर्म तस्लीम कर ले ना, तो जज उन्हें सजा देंदा है, जज उन्हें फांसी देंदा है। अल्लाह तेरी अदालत कैसी है? ओए होए होए, जेडे सुनन आए हो गल, दूसरे ना गल मेरी कोई नहीं। मौला दुनिया की अदालत का कानून तो असूल हो रहे, इतने बंदा मन जाए तो सजा होती है, फांसी होती है। अल्लाह फरमांदा वो लोगो मेरी अदालत का असूल हो रहे, मेरी अदालत का कानून हो रहे। मैं क्या या अल्लाह, जे तेरी अदालत में असी मन गए कि असी मुजरम हाँ, वाकई मुजरम हाँ, सयाकार हाँ, मौला तू की करेंगा? अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरी अदालत च मनन की गल तो पिछे वे, जेड़ा शर्मिंदा हो जाए असी उन्हू माफ कर छड़ने।
हाय 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 अल्लाह फरमाना तू शर्मिंदा हो जा। अब वेखो ना बंदे को गलती हो जाए तो प्यो के सामने बंदा कहना यार मैं शर्मिंदा हो गया सांबे के सामने। अल्लाह फरमाना मनन की गल तो पिछे वे तू सिर्फ शर्मिंदा ही हो जा। तू यही अंदरों अंदरों बंदा शर्मशार हो जाता है ना जी कि मैं गुनाह किया मैं हूँ किस मूँह न जावा। अल्लाह फरमाना तू अंदरों शर्मसार हो जा मेरी रहमत का अहाता कोई नहीं कर सकिया। मैं जिन्हों चाहवा व्डे तो व्डे मुजरम माफ़ी दे छड़ा जिन्हों चाहवा 100 साल के गुनाह हो अल्लाह रहमत का पानी फेरे तो सारी माफ। वमा अरसलना का इला अल्लाह फरमांदा मेरी रहमत का किनारा ऐज अल्लाह की रहमत का किनारा ए जदों भी दुआ मंगो ना ए सीख के जाओ इस जुम्मे चू जदों भी दुआ मंगो अल्लाह तला आगे तो यही मंगया करो या अल्लाह अपनी रहमत दही अपनी रहमत करी अपना फजल करी। ए दो चीज़ा मंगया करो एक अल्लाह की रहमत तो एक अल्लाह का ए बार वाले एक अल्लाह का रहमत फजल। जिस बंदे ते अल्लाह की रहमत हो जाए वह भी कामयाब है जिस तो फजल हो जाए वह भी। ए दिन फिरन लगे पता नहीं लगता कसम खुदा दी दिन फिरन लगे बंदे का पता जेड़ा बंदा आंदा ना मैं गरीब रहा सारी जिंदगी वह झूठ बोलता है। मैं मिंबर ते बैठा अल्लाह दे घर बैठा जे सामने हदीस की किताब रखी जे इस तू वड्डी गल कोई नहीं अल्लाह दे घर बह के बयाना। जेड़ा बंदा आखे ना सारी जिंदगी मेरी पूरी नहीं पई सारी जिंदगी मैं गरीब रहा सारी जिंदगी मस्कीन ते माड़ा रहा वह झूठ बोलता जे। क्यों अल्लाह बंदे नू जिंदगी च मौके जरूर देंदा देंदा कि नहीं देंदा भाई जिन्हां नू दित्ते ना उन्होंने पता है। हुण वेखो एक बंदा 4-5 लाख रुपया ला के सऊदिया टुर गया ठीक है कारोबार भी चंगा मिल गया अल्लाह ने बाँह फड़ ली कर्जा भी लथ गया। हुण इन्हें की सोचिया इन्हें आख्या नहीं यार सऊदिया पैसे थोड़े ने इटली जाना चाहिए कितने इटली फ्रांस जाना चाहिए यूनान जाना चाहिए। ये वो जी अल्लाह ने बाँह फड़ी सी ना यदि इन्हें वो छुड़ा ली नहीं पे समझते अल्लाह ने बाँह फड़ी होंगी है ना जो बंदा वह काम छड़ के तो दूसरे पास पैंदा फिर वह बंदा अपनी बाँह छुड़ा लैंदा अल्लाह को वह छुड़ा के उन्हें आख्या नहीं मैं अगे जाना अगे की पैसे ज्यादा ने अगे गया ना पिछे जोगा रहा तो ना हूँ कि कसूर है बंदे का कसूर है। अल्लाह ने मौका दिता सी सैट हो जा संभल जा इन्हें लालच किया उंज बंदा जदों मारिया जाता जे ना लालची मारिया जाता जे ए जदू लालच करता ना ए कई बार वेखो ए वेखो असी मुसलमान हाँ जी ए करोड़ों दी गल्लां ने तबलीग है मत किसी के दिल से असर कर जाए। तुसी किसी बंदे नू काम लैक दिता है ना जी ए रंग का काम है या मिस्त्री का काम है या कोई भी काम है दुनिया का तुसी किसी बंदे नू लैक दिता है ना भी तुहाडा कोई वाकफ बंदा तुसी अपने थ्रू उन्हूं काम लै दिता है कि यार बंदा वेला बंदा गरीब है चलो असी इहदा एहसास करदे आ तुसी उन्हूं काम लै दिता उत्थे उस गरीब ने की किया उन्हें तुहाड़ियां जड़ां वढ़नियां शुरू कीतियां आउंदा कि नहीं आउंदा जी इंज उन्हें तुहानूं पिछे सुट के तो मालकां नाल आपी जफ्फी पा ली उन्हें आख्या वह तो बड़ा भैड़ा बंदा जे जिहदे पिछे तुसी भी फिरदे हो तुसी मेरे नाल डायरैक्ट गल करो ए जिहड़े वसीला छड़ के डायरैक्ट हो जाण ना वह कल भी लाणती ने तो अज भी लाणती ने और नहीं समझे जिहड़ा विचू बंदा छड़ के डायरैक्ट हो जाए अगले नाल आखे जी मेरे नाल गल करो तुसी उहनां नूं पता ही कोई नहीं वह कमीना बंदा होंदा है वह बगैरत होंदा है वह अमीर हो सकता है क्यों उहदी नीयत ही भैड़ी है उहदी नीयत ही खोटी है। अल्लाह बंदे की बाँह फड़दा जे मैं ऐसिया तुहानूं हज़ारां मिसालां मैं वेखियां ने अपनी अखां नाल हज़ारां मिसालां तुहानूं इस मिंबर तों मैं दे सकना वा कि बंदे गरीब सन अल्लाह ने उन्हां दी बाँह फड़ी वह बदमाश बन गए अल्लाह ने फिर उत्थे लिया सुटिया वे जिथे दे तुसीं ऐस हो और बोलो जिथे दे ऐस हो ओ यार अल्लाह बाँह फड़े तो तुहानूं चाहिए बंदे ने झुक जाना चाहिए आजी आ जानी चाहिए है बंदे का अखलाक ठीक हो जाए कि बंदा अगू दो नंबरियां शुरू करन लग पे तवज्जो करो गल बड़ी वड्डी जे इस वास्ते ए जुम्मे ते तुसां सिख के जाना है। अगर तुहानूं कोई काम लै के दवे अगर तुसी किसे दे थ्रू जांदे हो तुसां डायरैक्ट नहीं होना अगू मेरा नुस्खा याद रख लियो जिंदगी च कामयाबी होवेगी।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੇ ਮੈਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾ ਲਓਗੇ, 15 ਦਿਨ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਅੰਜਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਜਾਮ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਕੂਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਵਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਦ ਸਕੂਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਦ ਸਕੂਨੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨਹਾਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਵਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੰਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਡੁਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਮਲੇ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 5000 ਰੇਟ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ 5000 ਰੇਟ ਸੁੱਟਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਹਮਸਾਇਆ ਵੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ, ਮਾੜਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਆਉਂਦਾ 6000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 2 ਆਪਣੇ ਯਾਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ, 500 ਇੱਟ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ 500 ਕਣਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, 500 ਕਣਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ ਅਤੇ 500 ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਾ 1000 ਸੁੱਟ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ 6000 ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਕਦਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਲਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ।
उन्होंने अगू उल्टिया ना पै जाओ को सारी जिंदगी अपनी नस्लों मैं भी ठाक जाए इनू काम से ना लाया जे ये बंदा बड़ा बेईमान जे इनू काम से ना लाया जे ईमानदारी काम कर अल्लाह तेरी रोजी जी बरकत पा छेगा। अब बंदे 40-40 हज़ार रुपया महीने का कमाते पे ने कहते अल्लाह का शुक्र है दुध के पैसे भी देते पे ने बिल भी देते पे ने बच्चों फीसा भी देते पे ने कहते ने शुक्र है अल्लाह का। एक बंदा 2 लाख रुपया कमाता कहता पता ही नहीं लगता तो बैठा भी एसी थले वे तो आंदा पता ही नहीं लगता 2 लाख रुपया तनखा 2.5 लाख रुपया तनखा तो पूरी पूरी पैसों नाल नहीं पैंदी पूरी शुक्र करने नाल पैंदी। तू शुक्र कर मालिका तू जिन्ना दिता ही मैं तो इस लायक ही नहीं सा बाबा असी सानू अल्लाह पैसा दवे तो असी शुक्र अदा करिए ते जिन्हां अल्लाह ने अपना यार मुहम्मद अता फरमा छड़िया है अपना कमली वाला अता फरमा छड़िया। आखिरी गल सुनो बाबा जुमले वड्डे देन लगावा रब्बे काबा की कसम है यह सलाह वे असी सारे आपो च बैठे हाँ चलो मैं कोई तुहानू सुनावांगा तुसी कोई मैनू सुनाओगे कोई भला हो जाएगा किसी का बेहतरी हो जाएगी। असल जुम्मे की तकरीर का मकसद ये होंदा है कि किसी का भला हो जाए किसी की सलाह हो जाए कि यार लामा साहब ने गल की सी ते आज तो बाद असी एक काम ते जे बाहर जाके फिर वही करना तो फिर अगले जुम्मे नहीं आना फिर अगले जुम्मे नहीं आना किसी होर पासे टुर जायो क्योंकि जो मननी नहीं गल तो फिर कन्ना दा चस्का थोड़ी लैन आना भी मौलवी साहब बड़ा शेर पढ़िया बड़ी तर्ज लाई। बाबा जिन्हें भी नबी का मिलाद मनाया जिना अल्लाह ने उस बंदे नू कमी नहीं होन दी थी मैं मिंबर ते बह के कह रहा अल्लाह ने उन्हें कमी इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्ला अलैह ए ओ बंदा जे जिन्हें 75 वारी जागदिया नबी पाक की जियारत की हुई है सुबहान अल्लाह है 75 वारी नबी पाक नू जागदिया वेख्या जागदिया अखां नाल आप अपनी किताब के अंदर लिखते ने बगदाद का शहर सी एक ताजर सी तजारत करता सी अंदरू इश्के मुस्तफा विच लुटिया होया सी ऐने में बंदा बहुत अमीर होवे तो दे अंदर ना इश्क दी गल है ताजर सी तजारत करता सी गल समझो बाबा जी जिन्ना मुनाफा कारोबार विच होना जिन्ना मुनाफा इधर मेरे वाल गल बड़ी तवज्जो आखिरी गल कर लगा जिन्ना मुनाफा होना ना उन्हों मसलन 1 लाख रुपया मुनाफा होना मिसाल दे रहा उन्हें 50 हज़ार रुपया घर वाले ते खर्च करना तो 50 हज़ार रुपया सामभ के रखना कि 12 रबीउल अव्वल ते लावांगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी लिखते हैं और रवायत करने वाला कौन है हज़रत अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल जिन्होंने एक गल रवायत की है जुमले सुनियो बाबा उन्हें थोड़े थोड़े पैसे जमा कर दे जाने जिमें बंदे नहीं आते थोड़े थोड़े पैसे जमा कर दें चलो यार दुकान च पा लाँगे कमेटी पा के चलो मकान बना लाँगे जगह खरीद लाँगे वह इश्क वेखो वो पैसे जमा पै करता नबी का मिलाद कराने वास्ते हजूर का जिक्र कराने वास्ते अंदर इश्क मुहब्बत हो। अच्छा जी उन्हें पैसे जिन्हें जमा करने साल बाद ना जो 12 रबीउल अव्वल की 11-12 की दरम्यानी रात होनी ना तो उन्हें अपने घर के अंदर ना हजूर का मिलाद कराना की कराना की कराना हजूर का मिलाद हजूर का जिक्र करवाना आप ही भी बच्चे भी बह के सारे महल कट्ठिया करके सोना बड़ा लंगर पकाना सबीलां लानियाँ बड़ा खर्चा करना। एक साल ना उदे हमसाए यहूदी आ गए उदे हमसाए पहले साल ही उन्हें तैयारी शुरू की थी तो यहूदन ना अपने बंदे नू पुछदी है आंदी है यह जिहड़ा मुसलमान है साडा गवांडी ये किस खुशी विच झंडियां पिया लांदा है हाय 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 ये केड़ी खुशी विच ये सारा निजाम पिया करदा है उन्हें कहा तेनू नहीं पता उन्हें कहा नहीं मैनू तो नहीं पता उन्हें कहा इस रात मुसलमाना दा नबी मुस्तफा आया सी क्या बात जी हजूर आए सन उन्हें कहा अच्छा नबी आए सन उन्हें कहा जिमें ईसाई तो यहूदी अपने अपने नबी का दिन मनाते हैं ना इंज मुसलमान भी 12 रबीउल अव्वल में हजूर दे आउण की खुशी मनाई जे कि कोई नहीं हजूर दे आउण की खुशी मनाते ने इधर जुमले सुने उन्हें कहा अच्छा उन्हें ना अपने बंदे नू ना दसिया तो जिथे औरतां बैठिया सन ना बाबा जी उधरू महफल हो रही है इन्हें चेहरे ते कपड़ा लपेट के ना आखन लगी मैं भी तो वेखा मुसलमान अपने नबी का मिलाद किस तरह मनाते ने आए हाय हाय हजूर का मिलाद मिलाद की बरकत उन्होंने दसन लगा मिलाद मुस्तफा की बरकत दसन लगा कि है यहूदन पूरा घर यहूदियों का बच्चे भी वह खामद भी बाबा जी जो गई ना वेख्या तो वेड़ा फुल है
जिथे बीबियां ने जुतियां लाइया ने उत्थे जुतियां वाली जगह ते बह गई। उधरों नबी दी नाद पड़ी जा रही है, इधरों एदी अख बंद होंदी जा रही है। आए हाय हाय बाबा जुमले सुनिया जे, एदी अख एदी अख बंद होंदी जा रही है, एदी अख लगदी जा रही है। बाबा मेरा ते ईमान जदों मुसलमान नबी दा मेला सजा के पढ़दे आने है, खुली रखी असां नवाली बारी, खुली रखी असां नवाली बारी, उठी किसानों मदनी दी कदों आवेगी मेरे सोने दी सवारी, उठी किसानों मदनी दी। हदी रात दा वेला है हजरा जुमले सुन जा यार, हदी रात दा वेला है एदी अख लग गई है, ए खाब पीवेंदी है, एक सवारी आई है, सवारी ते बैण आला बड़ा ही सोना है, सवारी ते बैण आला बड़ा सोना है, ओदे आउण दे नाल वेड़ा चमक गया है, ओदे आउण दे नाल घर बाहर चमक गया है। आंदी है मैं ख्वाब वेख रही हाँ, मैं एक बीबी नूं पुछिया है, नी मैनूं दसो ते सही ना ए सोहणी सूरत आला कौण है, ए वदोहा दे चेहरे वाला, ए वलैल दियां जुल्फां वाला। बाबा जुमले जाया ना करे रे, एक बीबी लगी नी सुन लै, हे ओ जिदा मिलाद सजाया होया, जिदा मिलाद सजा के बैठे हो। बाबा जुमले जाया ना करे रे, आंदी है मैं दौड़ के पैरी पै गई हाँ, मैं क्या सोनिया मैं भी तेरी महफल च आई हाँ, कमली वाले आ मैं भी तेरी नुकरानी बन के आई हाँ, सोनिया है तो यहूदन पर कमली वाले आ अज तेरा चेहरा वेख के मन गई हाँ, तो कल भी सच्चा है तो अज भी सच्चा। हजरा जुमले सुनिया रे, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, ख्वाब विच कलमा पढ़ गई है, इधरों महफल मुक गई है, इधरों महफल मुक गई है, इन्हें जुत्ती पाई तो सरगी का वेला है, इन्हें जहा के लमियां पैन लगी है। हजरा जुमले सुनिया रे, दिल विच सोच दी है मैं खावां दे सामने ना नहीं लैना, उन्हें मिनो मारना है, उन्हें मिनो चिड़का मारनिया ने, उन्हें आखने मुसलमाना दे वेड़े की लैन गई है, तू महफले मिलाद चिकी को पुछ के गई है। आंदी है लोको हजे मैं कदम चोरी चोरी रखी आए, कि मैं जाके सौ जानी हूँ, मैं अपने बच्चियों नो नहीं दसागी, मैं अपने खामन नो नहीं दसागी। हजरा जुमले सुनिया ने, आंदी है हजे कदम अंदर रखी आए, सामने वेखी आए खामद खड़ा खलोता है, मेरा हामद सामने खड़ा है। आंदी मेरा जिसम कमल लग पे आए, मैं परेशान हो गई हाँ, मैं हैरान हो गई हाँ, आखन लगी मैं ते इत ही गई सा। बाबा जुमले सुनिया ने, ओदा खामद कहन लगा परेशान ना हो घबरा ना, आंदी है मैनू माफी दे दई, तेरे बगैर पुछियों टुर गई हाँ, तेरी इजाजत तो बगैर महफल च टुर गई हाँ। आखन लगी घबरा भी ना, ओदा खामद कहन लगा नी चलिए क्यों रोनी है क्यों तड़फनी है, रो के कह लगी मैनू मारी ना, मैं मोहम्मद अरबी दा कलमा पढ़ गई हाँ, नजर ने कीता जादू है, ओदी नजर ने कीता जादू है, मैं ते लुट दी लुट दी लुट गई ओदा चेहरा वेखिया सोना है, आए हाय ओदा चेहरा वेखिया सोना है, हे चौदवीं दाते चन आया
ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹੈ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਜਨਿਆ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਮਦ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਮਦ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਦਨੀ ਮਾਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਜਿੰਨੇ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੇਸ਼ੇ ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰੋ ਤੁਝੇ ਕਹਾ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਯੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਯੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਯੇ ਚਾਬੀ ਤੁਮਾਰੀ ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਖਾਮਦ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੀਏ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਐ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਬ ਵੀ ਵਿਨੀ ਸੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਬ ਵਿਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬੂੰਗੇ ਦੀ ਜਾਮੀਆਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਗਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸੁਨਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਵਮਾ ਅਲਈਆ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗ